वेलकम बैक गाइज। मेरे पास कई बार ऐसे कॉल्स आए, मैसेजेस आए, और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स में मेरे पास बहुत बार मैसेजेस आए कि सर रिसेप्शन लाइट कैसे मैनेज करी जाए, रिसेप्शन जब हम शूट करते हैं तो वहां पर लाइटिंग सेटअप कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हमने बहुत बार ट्राई किया कि रिसेप्शन जब हम शूट करते हैं, ऑन लोकेशन होते हैं तब इसका शूट करें, बट हमने ट्राई वहां किया तब बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि म्यूजिक बहुत लाउड होता है, और कई बार जैसे हम शूट करने जाते हैं तो क्लाइंट आके हमसे मिल लेता है। तो वहां पे वेडिंग रिसेप्शन में इंपॉर्टेंस ये भी होता है कि क्लाइंट को आपको ट्रीट करना होता है और सब सेटअप्स बहुत सारे करने होते हैं, तो वहां टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट आंसर दूंगा कि कैसे आपको लाइटिंग सेटअप करना है, कैसे आपको आपका फ्रेमिंग सेट करना है, और लाइट को कैसे प्रॉपर रखा जाए, और एंबियंस लाइट को कैसे समझा जाए। ये सब कुछ बात इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो कोर्सेज हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के जो कोर्सेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। देन पैरेलली हिमाचल में जो हम ट्रैकिंग वर्कशॉप करते हैं जो ईयर में 1 या 2 बार होता है, और महाराष्ट्र में हम कुछ वर्कशॉप करते हैं ताकि नाइट फोटोग्राफी आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाए, और नाइट फोटोग्राफी में कितने टाइप्स के क्रिएशन है वो हम कर पाए। तो ये सब कुछ आपको वर्कशॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक से मिल सकती है, तो पैरेलली यूट्यूब के साथ साथ वहां पे भी आप हमको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिसेप्शन फोटोग्राफी के अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमको समझना होता है। सबसे पहले एज ए अगर आप एक स्टूडियो ओनर हैं, अगर आपका एक वेडिंग ऑर्डर है, या फिर अगर आप एक स्टेज फोटोग्राफी रिसेप्शन की करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं, और वो पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको स्टेज के सामने जो अपना टेबल लगता है जिसके ऊपर स्टेज के ऊपर खड़े होकर हम फोटोग्राफी करते हैं, वो स्टेज हम जो बनवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं, वो बहुत छोटा होता है। उसके अंदर एक ट्राइपॉड वीडियोग्राफर का तो लग जाता है क्योंकि वीडियो की फ्रेम सारी इक्वल मिल जाती हैं, बट फोटोग्राफर्स के साथ एक दिक्कत सबसे बड़ी आगे खड़ी रहती है कि उनके पास ट्राइपॉड लगाने का स्पेस नहीं होता, तो पूरे 2 से 3 घंटे, 4 घंटे वो कैमरा या तो गले में लटका या हाथ में लेके खड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो थकान हमको जो लगता है, वैसे भी खड़े 3-4 घंटे में हम एंड तक बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और सीजन में कंटिन्यू जब वर्क करते हैं और फिर इतनी देर तक खड़े रहना और अगले दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगेन ऑर्डर में जाना, तो उस थकान से बचने के लिए अगर आप फोटोग्राफर भी एक ट्राइपॉड अगर यूज करें तो थकान सबसे कम लगेगी। सबसे मेन बेनिफिट ये हो जाता है कि बॉडी को अगर थकान कम लगेगी तो आउटपुट बहुत अच्छे से हो जाएगा। देन इसके बाद सेकेंडरी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है थकान के बाद का पॉइंट, वो ये है कि कितना भी अच्छा अगर फोटोग्राफर है, अगर वो 300, 400, 500 फोटोज अगर कंटिन्यू 3-4 घंटे तक क्लिक करता है तो सारी फ्रेम्स एक साथ इक्वल नहीं आती। किसी के अंदर थोड़ी सी फ्रेम टेढ़ी हो जाती है, किसी के अंदर वो कंपोजिशन प्रॉपर नहीं होता, फिर वो अगेन एडिटिंग के ऊपर अपना टीम मेंबर है उसको टाइम डालना पड़ता है, बट अगर ट्राइपॉड यूज करेंगे तो आपका 3-4 घंटे जितनी भी देर रिसेप्शन चल रहा है सारी की सारी इमेजेस एक फ्रेम प्रॉपर आएगा, आपको फ्रेमिंग के लिए वापस उसको एडिटिंग पे उसको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये 2 एडवांटेज है कि आपको सबसे पहले थकान कम लगेगी और सेकेंडरी अपना जितना भी फ्रेम्स है फोटोग्राफी का वो सब कुछ एकदम प्रॉपर आएगा, तो उसको एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो रही एक पहली बात कि स्टेज के ऊपर आप जल्दी जाके अपना स्टेज अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं, जो आपका टेबल है वो सेटअप करके उसके अंदर प्रॉपरली आप 2 ट्राइपॉड लगा के काम कर सकते हैं, और उसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा जाता है। हमारे जितने भी वेडिंग्स होते हैं हम 2 ट्राइपॉड एक वीडियोग्राफर के लिए और एक फोटोग्राफर के लिए लगाकर ही यूज करते हैं, बट कई बार हम एक्सपोजिंग में जाते हैं तो ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि फोटोग्राफर का कैमरा उसके गले में होता है, 3 घंटे बाद उसका शोल्डर और पांव तो दुखते ही हैं खड़े रहने के साथ साथ, और शोल्डर अपने आप पेन करने लग जाते हैं क्योंकि कैमरा बहुत हैवी होता है। देन उसके बाद जब डेकोरेशन इतना अच्छा करता है हमारा क्लाइंट, बहुत अच्छे फ्लावर्स का डेकोरेशन होता है, कई बार लाइटिंग का डेकोरेशन होता है, कई बार बहुत अलग अलग तरह के स्टेज क्रिएट किए हुए होते हैं उसके अंदर लाइटिंग डेकोरेशंस होता है, तो उसमें फोटोग्राफी कैसे सेटअप करी जाए। मोस्टली हम 3 चीजों से फोटोग्राफी करते हैं। रिसेप्शन फोटोग्राफी पहली हो जाती है हमारी पोर्टा लाइट, क्योंकि वीडियो के लिए कंपलसरी है कि हमको पोर्टा लाइट यूज करनी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा है, मैं आई बटन पे उसका लिंक आपको दे दूंगा कि पोर्टा अगर आप यूज करते हैं तो सिंगल एक साइड पोर्टा और सिंगल दूसरी साइड पोर्टा इनफ नहीं होता है रिसेप्शन शूट में, तो आपको एक स्टैंड पे अगर 2 पोर्टा ऐड करनी है तो कौन से क्लैंप आप यूज कर सकते हैं, उस क्लैंप के लिए मैंने वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक साइड 2 पोर्टा और एक साइड 2 पोर्टा यानी कि टोटल 4 पोर्टा अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लाइटिंग हमको मिलेगा, बट वो वीडियोग्राफर के लिए इनफ है।
क्या वो पोर्टालाइट फोटोग्राफर के लिए इनफ है? ये क्या कभी हमने सोचा है कि फोटोग्राफर अगर कई बार फ्लैश यूज नहीं करते है, क्योंकि एम्बियंस बहुत अच्छा दिखता है, कैमराज इतने अच्छे आ चुके हैं कि आईएसओ बढ़ा के हम फोटोग्राफी कर लेते हैं, बट क्या वो रिजल्ट कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन वाला मिलता है हमको? तो आंसर मैं आपको इसका यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम चार लाइट पोर्टा यूज कर लेते हैं और रिसेप्शन में एक चैलेंज और आके खड़ा हो जाता है कि जब बात छह लोग हैं तब तक ओके है, बट जब बड़ा ग्रुप आता है तब क्या होता है कि हम फोकस कपल पे करते हैं, बट जो सबसे आगे बैठा होता है, सबसे पीछे बैठा होता है, वो थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो हमको अपर्चर को शिफ्ट करना होता है 5.6 की जगह 8 या 11 पर, बट तब हमारे पास लाइटिंग अगर पुअर होता है तो हमको आईएसओ को बढ़ाना पड़ता है और उस इमेजेस के अंदर ग्रेन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो इमेजेस ऐसी होती हैं जो कई बार क्लाइंट हमसे एनलार्जमेंट करवाता है, क्योंकि पूरी फैमिली कभी और इकट्ठी नहीं हो पाती, वो उसी टाइम इकट्ठी होती है, और वो फोटो अगर एनलार्जमेंट में मांग ले तो आके चैलेंज खड़ा हो जाता है कि उसमें ग्रेन्स आने लग जाते हैं। तो पोर्टा लाइट पर शूट करना एक फायदेमंद तो है बट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसका सेकंड ड्रॉबैक यह है कि जब हम शूट करते हैं और पीछे बहुत सारी भीड़ होती है तो वो तुरंत खड़े होते हैं फटाफट से और क्लिक करके और आगे निकल जाते हैं। उसमें बच्चे कई होते हैं जो हिलते रहते हैं, वो मूवमेंट उनका चालू रहता है। तो आप कितना भी शटर मैनेज कर लें, जब कंटिन्यूस लाइट पे फोटोग्राफी करेंगे तो थोड़ा सा शेकी आने के चांसेस वो मिलते ही हैं। और जब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप पोर्टा लाइट को रिप्लेस करके अगर एक फ्लैश लाइट पर फोटोग्राफी करेंगे तो उसका सिंक स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो वो शेकी आने के चांसेस बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो एकदम परफेक्टली मिले। तो दो जहां पोर्टा लाइट लग रही है उसके साथ अगर आप दो गोडेक्स की 200 लाइट या दो फ्लैश, अभी नाइट टाइम में फोटोग्राफी करनी है तो फ्लैश भी इनफ है, उसके अगर आप सॉफ्ट करके दो फ्लैश अगर आप यूज करते हैं या दो 200 लाइट अगर यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मेन सिचुएशन क्या हो जाती है कि बैकग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा लाइट डेकोरेशन होता है तो सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कम पड़ती है, जो हमारे स्टेज पे खड़े होने वाले लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके फेस पर लाइट कम होती है, बैक साइड लाइट ज्यादा होती है, तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता। बट दो लाइट अगर हम आगे से एडिशनल ऐड करते हैं तो बैकग्राउंड ओके हो जाता है और फ्रंट भी ओके हो जाता है। बट अब लाइट सेटअप कैसे करना है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, हर एक रिसेप्शन में जब फोटोग्राफर स्टेज के ऊपर खड़ा होता है तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे। सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है, आपका फ्लैश आपको ट्रिगर आपका ऑफ करना है। अगर आपने दो फ्लैश अगर ऐड कर रखी है कोई भी पावर पे करो, मिनिमम हमको जो आईएसओ मेंटेन करना है 800 टू 1600 करना है, क्योंकि लो लाइट सिचुएशन है और हमको एम्बियंस भी कैप्चर करना है। तो 800 टू 1600 का आईएसओ रखें, अपर्चर हमको शिफ्ट करना है 5.6 टू 8, आप इन दोनों के बीच में आप वर्क कर सकते हैं। अगर बड़ा ग्रुप है तो 11 पर मूव करना है, अदरवाइज 5.6 टू 8 इनफ है, उसके अकॉर्डिंगली आप आईएसओ सेट करें और शटर स्पीड मिनिमम 125 या 160 रखें, तब आपको एकदम प्रॉपर सेट मिलेगा। और फिर आपको विदाउट फ्लैश एक या दो इमेजेस कैप्चर करके देखनी है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर उस सेटिंग तक आपको आईएसओ को और अपर्चर को शिफ्ट करना होगा, अगर वो थोड़ा ब्राइटर है तो आप अपर्चर 8 कर सकते हैं, अगर थोड़ा डार्कर है तो आप उसको 5.6 कर सकते हैं, बट अगर ग्रुपिंग आ जाता है तो आपको 8 या 11 पर शिफ्ट होना ही है। एक अपर्चर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख के आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अपर्चर क्यों शिफ्ट करना होता है। तो फर्स्ट आपने बैकग्राउंड का कैप्चर किया, देन उसके बाद हमारा मेन लाइट जो है जो हमारे पास एम्बियंस में है वो हमने परफेक्टली कैप्चर कर लिया, फिर हमारी जो दो फ्लैश है या स्टूडियो लाइट है या गोडेक्स की अगर आप 200 लाइट यूज कर रहे हैं उसका पावर हमको इक्वली मैनेज करना है, कि ऐसा नहीं हो कि एक का पावर ज्यादा है एक का पावर कम है, इक्वली हमको मैनेज करना है कि वो पूरे स्टेज पे एज ए फिलर लाइट हमको मिल जाए। तो एज ए फिलर लाइट अगर आप दो लाइट यूज करेंगे, एज ए प्रोफेशनली अगर मैं आपको गाइड करूं तो आपको दो लाइट मिनिमम चाहिए जिससे आप इक्वली पूरा स्टेज का, क्योंकि कई बार स्टेज बहुत बड़े होते हैं तो स्टेज को इक्वली मैनेज करने के लिए आपको दो लाइट चाहिए और उनका डिस्टेंस भी आपको ध्यान रखना होगा, कई बार स्टेज के एकदम क्लोज ले जाना होगा। अगर आप नैरो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको लाइट्स को नजदीक ले जाना होगा, और अगर स्टेज बड़ा है और ग्रुपिंग बड़ा है तो लाइट को आपको पीछे लाना रहेगा जिससे कि वो इक्वली हर जगह स्प्रेड हो सके। फर्स्ट ये पॉइंट है, और फिर आप अपना इमेज कैप्चर करें उस लाइट को फायर करके और बैकग्राउंड के साथ सेम सेटिंग्स, यानी कि आपने एम्बियंस अवेलेबल लाइट को भी मैनेज किया, देन फ्लैश के साथ आपने जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी हमने परफेक्टली कैप्चर किया, तब आपका रिजल्ट बहुत बेहतर निकलेगा।
बट इसके साथ अगर कई बार एक चैलेंज और क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है, एक चैलेंज आता है कि सबके पास दो लाइट्स नहीं होती, हमारे पास एक सिंगल लाइट है, तब हम क्या कर सकते हैं? तब आपको पहला काम तो पैरेलली वो ही करना है कि आपको एम्बियंस को परफेक्टली कैप्चर करना है और सिंगल लाइट यूज करनी है अपने बैक साइड से, स्टेज के जहां आप खड़े हैं उसके बैक साइड से आप फायर करें, ताकि वो डिस्टेंस मैनेज होगा और इक्वली हर जगह स्प्रेड होगी। बट हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको रिजल्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल लाइट सोर्स, क्योंकि फोटोग्राफी लाइट से ही बेटर होती है। अगर आप लाइट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बट एक दो लाइट नहीं होने पर अगर आपको एक जुगाड़ ऑप्शन ढूंढना है, तो वो ये है कि सिंगल लाइट सोर्स आप अपने बैक साइड से फायर कर सकते हैं, तो जैसे ही वो स्टेज पर जाएगा आपको इक्वल रिजल्ट मिलेगा और परफेक्ट आपकी फोटोग्राफी हो जाएगी। बट हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि पहले ब्लैंक शॉट हमेशा लें स्टेज का, स्टेज की लाइट को ओके कैप्चर करें, देन एज ए फिल लाइट हमारी जो एक या दो फ्लैश लाइट हम यूज कर रहे हैं उसको फायर करें, तब कहीं जाके वो रिजल्ट बेस्ट होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी कि रिसेप्शन में फोटोग्राफी के टाइम पर कैसे लाइटिंग प्रॉपर करी जाए, आप जब भी रिसेप्शन शूट हो आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोज हैं वो आपके पास इमीडिएट आ सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितना हो सकता है ट्राई करता हूँ कि प्रोफेशनली नॉलेज अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूं। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये नॉलेज शेयर कीजिए, और पैरेलली हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि वर्कशॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास इमीडिएट मिल सके।